नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत दोस्तों। तो आज मेरी ननद लोग सब आई हुई है, तो स्नैक्स में हम लोग बगिया और छोला का रेसिपी शेयर कर रहे हैं थोड़ा सा, और चाय वगैरह। तो छोटा सा बगिया और अथी का शेयर बन करके आप लोगों को दिखा रहे। चलो इस तरह से हम लोग बगिया बनाए हैं दोस्तों, थोड़ा सा सभी ननद लोग एंजॉय हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी ननद लोग आई हुई है, तो क्या बना रही है? फर्रा, हम लोग इधर तो बगिया बोल रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं जब तक आई हूँ तब तक दाल को गर्म पानी में खोलने के लिए रख दिया। ये दाल बॉयल करके यहाँ पर बना रही है। एक केराव की दाल होता है, जिसका छोला मैं एक बार शेयर की थी ना, उसी केराव का दाल है। तो इसको बॉयल करने के लिए रखिए। इधर क्या की है, इधर पानी को खौला करके चावल के आटा में रख करके, और ये देखिए इस तरह से ये इसका आटा बनाएगी। उधर छोला बन रहा है, छोला के लिए प्याज भी काट रही है। तो देखिए यहाँ पर ये चना का छोला बना रही है, काबुली चना और चना दोनों है, और प्याज काट रही है। ननद लोग आई है तो अपना मन से यहाँ पर चूल्हा पर बना रही है, एंजॉय कर रही है। तो इसका थोड़ा सा झलक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये नीलम को तो आप लोग जानते ही होइएगा, मेरी ननद है। तो ये देखिए चावल की आटा को क्या करती है, नीलम मिला रही है। हाँ, अब किस तरह से मिला रही है, गर्म पानी में खौलाया हुआ आटा है, इस तरह से मिला रही है। वैसे तो बगिया कच्चा दाल को ही फुला करके बनता है, लेकिन यहाँ जल्दी में ननद लोग आई थी ना, तो बॉयल करके ही बना रही है। देखिए यहाँ पर दाल देख रही है पका है कि नहीं, इसमें हल्दी नहीं पड़ा है, वैसा ही बॉयल की है। पका है कि नहीं बिनीता भी? नहीं पका है। इधर सारा काम कर रही है ननद लोग, सब बर्तन सब क्लीन हो रहा है। तो इस तरह से दाल को यहाँ पर छान रही है। देखिए आप दाल को इस तरह से, इसमें हाथ पकेगा ठीक से, इस तरह से थोड़ा सा पानी सब गर जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा हाथ से पीस करके तब दिखाते हैं। तब तक दाल हो रहा है, सूख रहा है, तब तक क्या करती हूँ, इधर अदरक लहसुन, इसमें ढेर सारा हम लोग अदरक लहसुन और हरा मिर्च डालते हैं। इस सबको मैं थोड़ा सा दरदरा कूट लेती हूँ, इधर धनिया पत्ता भी है। तब दाल में मिला करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से दाल को ये डगरा में और क्या नूढ़ी से थोड़ा सा दरदरा पीस रही है। तो फिर मैं इसके बाद दिखाती हूँ। ये स्नैक्स में अभी सब ननद जमा हुई है, तो बोलिए क्या बना जाए। तो स्नैक्स में छोला और ये बगिया का रेसिपी से देखिए। इसमें अदरक हरा लहसुन, तो इसमें अदरक लहसुन हरा मिर्च का मिक्सर बना लिए हैं, दरदरा सा है ग्रे। तो इसको अब मैं डाल करके फिर दिखाती हूँ। तो इसमें नमक आप लोग अपना हिसाब से अपना नमक डाल दीजिएगा। डालने के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही है, तो इस सब को डाल करके अब इस तरह से मिला रही है। मिला कर फिर उस बगिया में हम लोग स्टफ करेंगे, भरेंगे। तो दाल आटा को कर करके उसमें दाल को भरेंगे, दाल भर। तो देखिए इस तरह से दाल भर करके दिखाती है, एक ठो बना भी ली। तब उसको फिर बंद कर देंगे, इसे पूरी नहीं हम लोग स्टफ करते हैं, उस तरह से बना करके भर करके। तब देखिए इधर इसको बॉयल करने के लिए कढ़ाई में पानी रख दिया है, चूल्हा पर बना रहे हैं। तो इस तरह से बन करके रेडी है। देखिए इसी तरह से बगिया का शेप दे करके कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से तीनों बहन मिल करके फट 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 वो बना लिया है। इधर पानी भी अब खोल रहा है, अब मैं इसमें बगिया को डालूंगी। तो पानी खोल चुका है, अब मैं इसमें इस तरह से सारे को ऐसे ऐसे डालते जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सारे को इसमें एडजस्ट कर दी, जितना पानी में आ जाए उस तरह से। देख सकते हैं आप लोग इस तरह से इस साइड में भी। अब मैं देखिए इधर बगिया लगता है करीब करीब पक चुका है, खोल रहा है। देखते सब बगिया नीचे से ऊपर की तरफ आ गया है, इसका मतलब पक चुका है। सारे को इस तरह से फिर पहला शिफ्ट बन चुका है, दूसरा का बैच में डाल रही हूँ। उसके बाद अब इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं पानी इसमें हाथ से धो करके इस तरह से पानी में धो करके निकाल लूंगी नीचे। पानी में ठंडा पानी में धो करके निकाल रही हूँ।
देखे मिला भी नहीं था क्या खेल का इस तरह से निकाल देंगे। अब मैं थोड़ा दूसरा दिखाती हूँ कुछ नहीं बना रहे अभी शाम तो हो गया है अंधेरा होने लगा है इन लोग कौ बनाएगी और इधर थोड़ा सा मैं बगिया बना करके छोला भी बना रही हूँ छोला की तरफ चल रही हूँ इधर मैं छोला बना रही हूँ थोड़ा सा बगिया और छोला अच्छा लगता है स्नैक्स में ननद लोग आई हुई है तो सब अपना एंजॉय पिकनिक कैसे कर रही है तो मैं चलती हूँ फिर पानी डाल लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों और नाना एक नाना थोड़ा दूर है तो ये जा रही है तो कृष्णा लोग अब जा रही है ये मेरा भांजा है और नंदो से बाहर बाइक पर चढ़े हुए हैं लेट हो रहा है तो लीजिए अब कृष्णा जा रही है अब खुशी रहो जल्दी से आप हुआ तो देखिए इस तरह से हमने बगिया और छोला दोस्तों बना लिया है अब मैं आप लोगों को सब करके दिखा देती हूँ दोस्तों। इसमें ये छोला है बगिया है और ये तिल का चटनी है दोस्तों तो आप लोग भी आइए खाइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और आप लोग बगिया के रेसिपी देख करके एंजॉय कीजिए। अपनी ननद को एक तो बगिया खिला रही हूँ जी खाओ 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 बाय नमस्कार।